एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्किंग प्रोसीजर्स पर, उसके बाद हम बात करेंगे मेजर कमेटीज पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है पूरा फ्रेम तैयार किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी भारतीय संविधान का, और किस तरीके से प्रोसेस शुरू की गई, जिसमें मुस्लिम लीग का भी इन्वॉल्वमेंट था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम बात करेंगे वर्किंग। वर्किंग ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, जो संविधान सभा बनाई गई उसका क्या काम रहा, किस तरीके से उन्होंने काम किया, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो संविधान सभा बनी, जो पहली बैठक हुई, उसकी फर्स्ट मीटिंग जो शुरू हुई, वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था। और उसके बाद फिर सेकेंड जो मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, और दोस्तों इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, यानी कि संविधान सभा के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया या नियुक्त किया गया। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा चुना गया जो प्रेसिडेंट, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुई, जो तीसरी मीटिंग हुई, जो तीसरी बैठक हुई, उसमें डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशंस के साथ जो है सभा शुरू की, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव रखे गए कि किस तरीके से क्या कार्य किया जाना है। और इसके साथ साथ बी एन राव को एडवाइजर बनाया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एडवाइजर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है बनाया गया, यानी कि डॉक्टर बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद थर्टीन मेजर कमेटीज बनाई गई, यानी कि 13 मुख्य समितियों का निर्माण किया गया, जिसमें आपने पढ़ा होगा ड्राफ्टिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, झंडा समिति, स्टेयरिंग कमेटी, इस तरीके से 13 मेजर कमेटीज बनाई गई। और इन सब कमेटी, या हम ये कह सकते हैं कि जो इनके चेयरमैन रहे कमेटी के, इन सब ने मिलकर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम तैयार किया। तो दोस्तों, इसके बाद
जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसे फर्स्ट टाइम जो है 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पहली बार भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। और इसमें दोस्तों आपका प्रियम्बल आर्टिकल्स और एट शेड्यूल्स थे, यानी कि प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना या हम उद्देशिका भी बोल सकते हैं, प्रस्तावना थी, उसके बाद 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ जो है 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान को स्वीकार किया गया। और इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे जब संविधान 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया तो 26 जनवरी का रोल कहां था। मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि जब 26 नवंबर 1949 को जब एडॉप्ट किया गया फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक पूरा या हम ये कहें कंप्लीट जो था संविधान वो नहीं था। यहां पर कुछ प्रोविजंस को छोड़ दिया गया था, उन प्रोविजंस पे चर्चा होनी थी, विचार होना था, तो उनको छोड़कर बाकी जो प्रोविजंस थे इंक्लूडिंग अ प्रीएम्बल 3095 आर्टिकल्स एंड इट्स शेड्यूल्स, इन सबको मिला के उसको लॉन्च कर दिया गया। और बाकी जो रिमेन प्रोविजंस थे उनको एडॉप्ट किया गया आपको 26 जनवरी 1950 को। रिमेनिंग प्रोविजंस को जो है एडॉप्ट किया गया आपका 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन को दोस्तों हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्लियर हुआ दोस्तों, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, पहली बार एडॉप्ट किया गया था, लेकिन चूंकि पूरा संविधान एडॉप्ट नहीं किया गया था, जो एडॉप्ट किया गया था उसमें प्रीएम्बल था यानी कि उद्देशिका था, प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स यानी कि 8 अनुसूचियों के साथ इसको लॉन्च किया गया था। और रिमेनिंग जो प्रोविजंस थे वो आपके 26 जनवरी 1950 को लॉन्च किए गए, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। और उस दिन को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो 13 मेजर कमेटीज बनाई गई उनमें कौन कौन सी कमिटीज थी। वैसे अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चर्चा करें, तो जो 6th to 7th जो मेजर कमिटीज है उनकी चर्चा की जाती है, उनके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो मैं आपको जो मेन मेन कमिटीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों हम यहां पर एक तरफ आपको कमिटीज नेम और दूसरी तरफ जो उसका प्रेसिडेंट था या जो चेयरमैन रहा तो वो हम आपको बता देते हैं। चेयरमैन, तो दोस्तों एक तरफ कमेटीज नेम और दूसरी तरफ हम उनके चेयरमैन की चर्चा करेंगे, यानी कि जो अध्यक्ष रहा जिसके अंडर में वो पूरी कमेटी ने काम किया और भी मेंबर्स रहे, वो सारा चीज हम आपको अभी बताते हैं। तो दोस्तों जो पहली कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी यानी कि संघ शक्ति समिति, और इसके जो प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल
नेहरू, यानी कि हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। मैं आपको एक और अभी बताता हूँ, फिर हम बताएंगे कि ऐसे हम याद करें इनको। यूनियन संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। यानी कि हम ऐसे समझ लें कि जो यूनियन के केसेस थे, यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों ही यूनियन, जहां पे यूनियन आ जाए तो आप ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट या चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम कमेटी की बात करें। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार कई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, लाइक जैसे एसएससी के एग्जाम्स हुए, रेलवेज के हुए, यूपीएससी पीसीएस में भी आपको कई बार ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं स्टीयरिंग कमेटी यानी कि संचालन समिति, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो है प्रेसिडेंट भी रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी जो संचालन समिति उसके भी अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कमेटी बात करें, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी कि नियम समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, नियम समिति, हिंदी में हम इसे बोलेंगे नियम समिति। तो नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी और रूल एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, यानी कि संचालन समिति और नियम समिति दोनों के ही अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फ्लैग कमिटी यानी कि झंडा समिति, और इसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, फ्लैग कमिटी जो हमारा जो फ्लैग बनाया गया, कितना रेशियो रहेगा, कौन कौन से कलर्स रहेंगे, कितना लेंथ रहेगी, कितना विड्थ रहेगी, ये सारी चीजें जो है फ्लैग कमेटी के थ्रू दी गई, और इसके अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। नेक्स्ट हम कमेटी की बात करें, एडवाइजरी कमेटी यानी कि सलाहकार समिति, सलाह समिति, और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे, ये जो है मैं आपको बता दूं, एडवाइजरी कमेटी में ये हम देख लेते हैं, एडवाइजरी कमेटी जो थी वो दो तरीके से काम कर रही थी, एक तो माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही थी
और जो दूसरा थी वो फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो मैं लिख देता हूं यहां पर भी, एडवाइजरी कमेटी ऑन राइट्स एंड माइनॉरिटीज, यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जिन्हें हम मूल अधिकार भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों, और माइनॉरिटीज यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी वो थी ये। और दोस्तों इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वो कौन सी थी, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कमेटी, यानी कि एडवाइजरी कमेटी थी एक तरीके की इन दोनों के चीजों पे। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कमेटीज हैं, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी यानी कि व्यापारिक समिति थी ये। तो इसको इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके के एम मुंशी जी। इसके बाद नेक्स्ट कमेटी की हम चर्चा करें, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि क्षेत्रीय संविधान समिति, और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि एडवाइजरी कमेटी के भी जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके भी जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये जो मेन मेन जो कमेटियां थी ये हैं। तो टोटल कमेटीज थी 13, जिनमें से मैंने आपको जो मेन मेन है जो एग्जाम में पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा बेसिक्स और मैं बता देता हूं आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनके तैयार हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना टाइम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा, तो टोटल जो टाइम लगा वो आपका था 2 years 11 months and 18 days, ये जो टोटल था यानी कि 2 वर्ष 11 मंथ्स एंड 18 डेज ये टोटल टाइम लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। दोस्तों कईयों बार एग्जाम में आता है आपको वो क्वेश्चन देगा कि कितना टाइम लगा, अप्रोक्सीमेटली वो आपसे पूछेगा कि लगभग कितना टाइम लगा, तो आप 3 ईयर्स जो अप्रोक्सीमेटली टाइम आपने टिक करना है वो मान के चलना है 3 ईयर्स, लगभग 3 साल जो थे उसको तैयार होने में लगे थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप ये ध्यान रखें कि अगर कंप्लीट टाइम वो आपसे पूछे और आपको दे इयर्स में, मंथ्स में और डेज में, तब आपने देखना है 2 years 11 months and 18 days, और अगर अप्रोक्स वो आपसे बोलता है तो आपको 3 ईयर्स का लेके चलना है, 3 ईयर्स लेके चलना है, यानी कि जो टोटल समय लगा, लगभग जो समय लगा वो 3 सालों का लगभग समय लगा, क्योंकि 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे, 11 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे, तो कुछ दिन बचे थे 3 साल होने में, तो हम लगभग ये मान के चलते हैं कि पूरे संविधान को बनने में लगभग 3 सालों का समय लगा। तो दोस्तों ये
आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले मैंने आपसे बात की हिस्ट्री की, यानी कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा कि कहाँ से हमने कहाँ से शुरुआत हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, किस समय से, कौन से एक्ट से। मैंने आपको बताया भी था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक हुई 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से। तो यहाँ ये पूरा एक्ट जो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, उसके बाद दूसरे वीडियो मैंने आपसे चर्चा की थी फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान को किस तरीके से बनाया गया, किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, किन किन लोगों ने इसमें काम किया, कौन कौन सी समितियों ने काम किया, और आज भी मैंने आपको यही चर्चा की है कि वर्किंग कैसी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, किसको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रेसिडेंट चुना गया, कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, स्टेयरिंग कमेटी का हेड कौन था, यूनियन कमेटीज जो थी उनके हेड कौन थे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने चर्चा की कि कितना टाइम लगा। तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि लगभग 3 साल यानी कि 2 years 11 months और 18 days का टाइम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में लगा। तो दोस्तों आज ये सारी चीजों पर हमने चर्चा की और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स कितने हैं या आर्टिकल्स कितने हैं, कितने चीजों से हमने कहाँ से प्रेरणा ली है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगे की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।